सोलन में प्रदेश कार्यकर्ता संघ की आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल से मुलाकात की और उन्हें पेश आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने इस बारे में एक ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा और बताया कि जो घोषणाएं आशा वर्कर को लेकर बजट सत्र में की गई थी, वह घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाई है। ये घोषणाएं महज औपचारिकता बनकर रह गई है, जिसके कारण हिमाचल की आशा वर्कर पूरी तरह से निराश हो चुकी है। सभी आशा वर्कर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी से कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वे चाहती हैं कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए और उन्हें पूरा किया जाए। इस मौके पर जिला कांगड़ा की महासचिव शशिलता और सोलन की अध्यक्ष अनिता कुमारी ने बताया कि उनके द्वारा आज एक ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ये बताने का प्रयास किया गया है कि 1500 रुपए में उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा है, लेकिन वे अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रही हैं। इसलिए वे चाहती हैं कि आशा वर्कर को लेकर कोई नीति बनाई जाए और जल्द ही उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा उनके कार्य को सराहा जा रहा है और उन्हें कुछ राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन वह राशि ना काफी है। इसलिए वे चाहती हैं कि उनके बारे में सरकार सोचे और ठोस नीति के अंतर्गत उन्हें पक्का किया जाए। शशिलता, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जनशक्ति हूँ, आशा कार्यकर्ता संघ की। आज हमारा हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल आशा कार्यकर्ता संघ का भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सोलन में रेस्ट हाउस में मंत्री जी से मिले, राजीव सैजल जी से मिले और वो आशाओं को आज आश्वासन भी देकर गए कि जो हमने मांगे रखी है मंत्री जी के समक्ष, जो आशा हिमाचल प्रदेश की मांगे हैं, वो हम चाहते हैं कि आशा की एक मतलब स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और हम आशाओं को एक आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही ऐसा मतलब स्थायी पॉलिसी बनाएंगे और हम मंत्री जी के आश्वासन से हम हिमाचल प्रदेश की आशाओं को एक उम्मीद जागी हुई है कि जब मंत्री जी ने आश्वासन दिया है हमारी हिमाचल